नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास टेंथ एनसीईआरटी साइंस। और साइंस का आज का हमारा जो क्वेश्चन है पहला, वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उससे पहले गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साइंस के या सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आने जैसा है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने जैसे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ पास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंट के लिए पास तो हम वैसे भी ऑब्जेक्टिव करके हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमसे पूछा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात की गई है इसमें। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बताएंगे, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यह लवण और जल बनाते हैं, लवण मतलब नमक, है ना। आगे बताया यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे NaOH जो कि क्षार है प्लस HCl आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl नमक मिल जाएगा आपको, लवण, और H2O जल मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। दो उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं, आपको याद दोनों याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो एक तो आपको लिख के आना ही है। KOH ठीक है, ये आपका क्षार है प्लस HNO3 आपका अम्ल है, जब रिएक्शन करेंगे तो KNO3 लवण आपको मिल जाएगा और H2O जल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, छोटा भी था। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।